गुड मॉर्निंग एस डी डी बी स्टूडेंट्स, आई एम मंदी, योर पोल साइंस टीचर फ्रॉम श्री गुरु तेग बहादुर सीनियर सेकेंडरी स्कूल NS9 डिंग रोड सिरसा। डियर स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट नेक्स्ट चैप्टर, सतह के वैकल्पिक केंद्र। कि सतह के वैकल्पिक केंद्र कौन से होते हैं बेटे? जो लास्ट लेसन में हमने पढ़ा था, जो फर्स्ट चैप्टर था, उसमें क्या है, पूरा विश्व दो ग्रुप में बटा हुआ था, और सेकंड चैप्टर में क्या एक ध्रुवीय बन गया था जिसमें अमेरिका का वर्चस्व दिखाई दिया था। अब इस लेसन में हमने पढ़ना है कि सतह के वैकल्पिक केंद्र, अब अमेरिका को चैलेंज करने के लिए कौन कौन से सेंटर्स थे। वो सेंटर्स थे बेटे यूरोपियन कंट्रीज और एशियन कंट्रीज, ये काफ़ी चर्चा में है आजकल। जो चाइना, ये भी काफ़ी का चर्चा में रहा है, और चाइना भी क्या है, हमारा अमेरिका का अल्टरनेटिव सेंटर था। तो इन्होंने क्या किया, यूएसए की हेजेमनी को चैलेंज करने की क्या कोशिश की थी, कि इन्होंने तीनों ने क्या किया, यूएसए को चैलेंज किया था। तो अब इसमें सबसे पहले था हमारा यूरोपियन कंट्रीज, यूरोपियन संघ क्या था। अब इसमें बेटे देखो, यूरोपीय संघ जब दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ, तब यूरोप के अनेक नेता यूरोप के सवालों को लेकर परेशान रहे। क्या यूरोप को अपनी पुरानी दुश्मनियों को फिर से शुरू करना चाहिए, या अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सकारात्मक योगदान करने वाले सिद्धांतों और संस्थाओं के आधार पर उसे अपने संबंधों को नए सिरे से बनाना चाहिए। कि दूसरे विश्व युद्ध ने उन अनेक मान्यताओं और व्यवस्थाओं को ध्वस्त कर दिया जिसके आधार पर यूरोपीय देशों के आपसी संबंध बने थे। अब बेटे देखो, यूरोपीय संघ क्या चीज़ होती है। अब यूरोपीय संघ है यूरोप के देशों का एक महत्वपूर्ण क्या है, संगठन है। अब यूरोपीय संघ का आर्थिक, सैनिक, राजनीतिक और कूटनीतिक रूप में विश्व राजनीति में क्या महत्वपूर्ण स्थान है, और यहाँ अमेरिका के मुकाबले सत्ता एक मजबूत विकल्प के रूप में उभरा था यूरोपीय संघ। यह बेटे आपका यूरोपीय संघ क्या था। अब इसी में बेटे 1945 तक यूरोपीय देशों ने अपनी अर्थव्यवस्था को ताकि बर्बादी तो झेली ही, उन मान्यता व्यवस्थाओं को ध्वस्त होते हुए देख लिया जिन पर यूरोप खड़ा हुआ था। 1945 के बाद यूरोप के देशों में मेल मिलाप को शीत युद्ध से भी मदद मिली। अमेरिका ने यूरोप की अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन के लिए जबरदस्त मदद की, इसे मार्शल योजना के नाम से जाना जाता है। तो अब देखो बेटे, मार्शल योजना क्या थी। कि मार्शल योजना में क्या था, अमेरिका द्वारा दूसरे विश्व युद्ध के बाद ये बनाई गई थी ताकि यूरोपीय देशों की क्या है, अर्थव्यवस्था को पुनर्गठित किया जा सके। क्योंकि जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ था, इसके दौरान अधिकांश यूरोपीय देशों की अर्थव्यवस्था खराब हो चुकी थी, और मार्शल योजना के अंतर्गत ही 1948 में यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना की गई थी, जिसके माध्यम से क्या पश्चिमी यूरोप के देशों को क्या आर्थिक मदद दी गई थी। ये थी हमारी मार्शल योजना। अब मार्शल योजना की बात बेटे इसमें है कि 1948 में यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना की गई। अब यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन तब क्या था, कि यूरोपीय आर्थिक संघाय की जो स्थापना 1948 में अमरीकी विदेश मंत्री मार्शल के द्वारा प्रस्तुत योजना के आधार पर की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य था कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोपीय देशों की आर्थिक स्थिति को सही बनाना, विश्व के विभिन्न प्रादेशिक आर्थिक संगठनों में यूरोपीय आर्थिक समुदाय का सर्वाधिक सफल रहा था। तो ये था कि आपका यूरोपीय का आर्थिक समुदाय क्या था। अब बेटे इसमें है कि जो सबसे पहले हमारे को यूरोपीय परिषद बने थे, उसके बाद हमारा जो यूरोपीय संघ का गठन हुआ था, यूरोपीय संघ का गठन होता 1992 में। अब यूरोपीय संघ के गठन की जो क्या प्रक्रिया थी, बर्लिन की दीवार है इसमें बेटे, बर्लिन की दीवार को गिरा दिए जाने के बाद अक्टूबर 1990 में क्या हुआ, जर्मनी का एकीकरण हो गया। इसके साथ साथ क्या हुआ, जो सोवियत संघ था उसका विघटन भी हो गया था। तो 1992 में मास्ट्रिक्ट संधि की संधि पर हस्ताक्षर के साथ यूरोपीय संघ के गठन का जो मार्ग प्रशस्त हो गया था, और नवंबर 1993 को इस संधि के लागू होने के साथ ही यूरोपीय आर्थिक समुदाय का नाम बदलकर क्या रख दिया गया, यूरोपीय संघ रख दिया गया। अब यूरोपीय संघ के जो प्रमुख इसमें देश कौन कौन से थे, वो बेटे आपको बताती हूँ। इसमें था नीदरलैंड, इटली, बेल्जियम और लक्जमबर्ग, चेक, एस्टोनिया, हंगरी, इसमें लताविया, पोलैंड, माल्टा आदि क्या है, इसके यूरोपीय संघ के क्या है, इस यूरोपीय संघ के अंदर आने वाले
देश हैं। और इनकी जो टोटल देशों की संख्या है, सदस्य की संख्या कितनी है बेटे, वो 27 है। तो ये था कि यूरोपीय संघ का क्या है, गठन क्या है, किस प्रकार से हुआ था। अब जो यूरोपीय संघ है, अब इसका बेटे मेन उद्देश्य क्या है वो आपको बता रही हूँ। यूरोपीय संघ इसका उद्देश्य क्या है, अब यूरोप को बांटने वाले जो विवादों को हमेशा के लिए क्या करना था, समाप्त करना था। दूसरा था यूरोप की प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित करना, और आर्थिक शक्ति और सांस्कृतिक परंपरा के अनुसार क्या भूमिका को निभाना था। आर्थिक तथा मुद्रा स्थायित्व का प्रबंध करना, सदस्यों जो सदस्य राज्यों की आर्थिक गतिविधियों को समन्वित करना था। ये सारे क्या थे बेटे, हमारे जो यूरोपीय संघ है इसके क्या मुख्य उद्देश्य है। तो आज बेटे हम इसी से रिलेटेड यही करेंगे कि यूरोपीय संघ क्या था और इसमें कौन कौन से देशों ने पार्टिसिपेट किया, और यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई। और ये मतलब नेक्स्ट जो वीडियो में उसमें आपको नेक्स्ट करवाऊंगी बेटे। तो आज का आपका ये रहेगा यूरोपीय संघ के बारे में। थैंक्स बेटे, हैव ए नाइस डे।